दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को किन शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है। केजरीवाल को 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वो आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक ना हो। केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुँच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव इस समय की सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करेगा। बेंच ने कहा कि इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। आपको बताएं तो दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 बार समन भी जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में वो शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे।